तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सेल में जेट टारगेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो आज आप लोग का एग्जाम हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जे सेट, ठीक है, जे सेट है ठीक। और इससे पहले वाला वीडियो में हम 1 से लेकर 29 तक % बता चुके हैं। अगर दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के देखने उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम बताने वाले हैं 1:30 के बाद % यानी कि 29 के बाद % दोस्तों 30% देखने पा रहे हैं कि दिस इज ए ब्रिज डैश द रिवर। दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। दियर इज ए ब्रिज, दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दियर इज द ब्रिज इट द रिवर, यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट चलते हैं जो 31% देने पा रहे हैं कि रीता डेस टू द रेडियो। दोस्तों इसका क्या होगा, रीता हैज लिस्टिंग द रेडियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट चलते हैं अगला पर्सन की ओर। दोस्तों जो हमारे जो 32% देने पा रहे हैं कि द टीचर डेस द लेसन स्टार्ट, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, द टीचर टाउट द लेसन स्टडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो 33% ने पा रहे हैं कि द टीचर डेस अबाउट द वेदर, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, द टीचर से अबाउट द वेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ चलते हैं जो 34% ने पा रहे हैं कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही डेस प्ले फुटबॉल। दोस्तों इसमें आपको खाली स्थान में बताना है, दोस्तों इसका क्या होगा, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही शूट प्ले फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 35 में जो हमारे पर्सन देखने पा रहे हैं कि हु इस पर्सन डेस दिस पिक्चर, दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, हु इस पर्सन इन द पिक्चर, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द पिक्चर। और 36 में जो पर्सन हमारे देखने पा रहे हैं कि ही इज गोइंग डेस लीप नेक्स्ट डे, दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ही इज गोइंग लिप नेक्स्ट वीक, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑन द लिप नेक्स्ट वीक। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं जो हमारे जो 37वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द अदर ऑफ द पीस, दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किससे बिलोंग करता है, दोस्तों भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे जो 38वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि मैकबेथ एंड जूलियस कैसर आर रिटन बाय, दोस्तों ये आपका था सेरेडॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे जो 39वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि वाल्टर डेला मेयर वॉज बोर्न, दोस्तों वाल्टर डेला मेयर का जन्म जो हुआ तो आपका 1873 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे जो 40वां प्रश्न देने पा रहे कि राधा कृष्णा नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, दोस्तों इनिशियल ह्यूमैनिटी ऑफ द मैन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे जो 41वां प्रश्न देने पा रहे कि एन द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर होम, ठीक है। और बढ़ चलते हैं जो 42वां प्रश्न आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं, डेस इज वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, तो इसमें आपका क्या होगा, ऑल पीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे जो 43वां प्रश्न देने पा रहे हैं कि और फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मेकिनरी बिकॉज, दोस्तों आपका यह हो जाएगा, दे डिड नॉट लाइक टू अस कम्फर्टेबल, यानी कि इसका राइट आंसर की बात कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे 44वां प्रश्न देने पा रहे कि द ग्रेट वोवल शिफ्ट लुक प्लेस ड्यूरिंग, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश से बिलोंग है। और 45वां प्रश्न देने पा रहे कि इंग्लिश यूज फ्रॉम 1500 सेंचुरी इज कॉल्ड, दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश जो है 1500 सेंचुरी से पहले वाले इंग्लिश को क्या कहते हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हे दोस्तों हमारे जो 46वां प्रश्न देने पा रहे कि बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन, दोस्तों बर्टन रसल जो है नोबल प्राइज कब मिला था, वो आपका 1956 में बर्टन रसल को नोबल प्राइज मिला था। हे दोस्तों हमारे जो 47वां प्रश्न देने पा रहे कि आफ्टर ऑल दियर इज समथिंग इन हिंदूज दैट हैज कैप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, दोस्तों इसका राइट आंसर वी कमेंट बुक में बता देंगे, ठीक है। और हमारे जो 48वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोट्स एज, दोस्तों इसका सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हे दोस्तों हमारे जो 49वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्पड मैनकाइंड इज रिटन बाय, दोस्तों आइडियाज दैट हैव हेल्पड मैनकाइंड इसका राइटर जो है आपका कौन था, यह आपका था सिगानो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हे दोस्तों हमारे जो 50वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि सावित्री इज रिटन बाय, दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब बता देंगे, ठीक है। और 51वां प्रश्न दे पा रहे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रपोजल, दोस्तों आपका था पॉलिटिकल से हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारे जो 12वां प्रश्न देखने पा रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश संस्कृत, यानी कि ओल्डर इंग्लिश लैंग्वेज इज ओल्डर द संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे 53वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शोल, दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब बता देंगे, या आप ही लोग बता दीजिए कि 53 का क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, आप लोग ही बता दीजिए 54 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। यह आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए कि द वेस्टलैंड इज रिटन कौन लिखा है, और कमेंट बॉक्स में जवाब बता दीजिए, ठीक है। और 55वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि वाल्टर डेला मेयर मैक्स अस अवेयर ऑफ द, दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, लंडन लाइफ या ड्रीम्स या पॉवर्टी या
इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि इसका राइट आंसर की कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लंडन लाइफ। अगला प्रश्न और 26 प्रश्न देख पा रहे हैं कि रूपर्ट ब्रूक प्रीजेस, दोस्तों रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड था, ठीक है। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि सल्दावन प्रश्न हमारा जो है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मास्टर, दोस्तों इसका क्या होगा, यानी कि फ्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे जो अल्टरनेट प्रश्न देखने पा रहे हैं कि इन हर्ट इट पीस अंडर इन इंग्लिश ही इवेंट इज फ्रॉम, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट में जवाब बता देंगे, ठीक है। और हमारे जो 50 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं, ये भी एक जो है कहीं लाइन से लिया गया है, इसका राइटर आपको बताना है, ये इसका राइटर कौन है, ठीक है। और हमारे जो 29 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि जॉन डोन इज अ डेस पॉइंट, दोस्तों आपका था जॉन डोन एक था मेटाफिजिकल पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अगर मैं चैनल पढ़ाया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जरूर। दोस्तों आज के लिए ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।